मार्च को होने वाली मतगणना के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 मार्च को मतगणना के लिए पुलिस प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के अंतिम चुनाव के मद्देनजर 10 मार्च को मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, बुलाई प्रेस वार्ता। प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। रिपोर्ट अजय सक्सेना। हमारे अन्य अधिकारियों ने आपका धन्यवाद किया है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो रोल मीडिया का रहा है बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव और सही चीजों को रखने वाली। साथ ही साथ मैं तो कहूंगा कि कई जगहों पर आपने हमारे लिए सूचना तंत्र का भी काम किया, कई सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। तो मैं भी एज ए पुलिस प्रमुख डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रहा है और उसका नतीजा है कि जो चीजें हैं वो सही चीजें बाहर पब्लिक के पास, पब्लिक के सामने प्रदर्शित रही। क्योंकि जो काम हम लोग करते हैं तो हमारे काम को, हमारे एक एक काम को एम्पलीफिकेशन करने का, नॉर्मली हम लोग गांव के हैं तो लाउड हिलर, पहले वो स्पीकर यूज करते थे, एम्पलीफायर उसको कहते थे। एम्पलीफायर का काम होता था कि थोड़ा बोलो उसको ज्यादा दिखाओ। तो कोई भी चीज जो तथ्य है उसको सही ढंग से बड़े पैमाने पे दिखाने का काम आपका है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपका रोल हमेशा सही तथ्यों को एम्पलीफाई करके लोगों के सामने रखने का है, सही तथ्यों को। जहां तक रही बात कि मतगणना की व्यवस्था की, तो मतगणना जैसा कि पूर्व की भांति मंडी समिति के अंदर है और जहां हमारा स्ट्रांग रूम है उन्हीं के सामने जो हमारे हॉल्स हैं, 6 हॉल में हमारी जो है वो काउंटिंग होगी। हार्दिक बधाई देता हूं कि अभी तक की जो निर्वाचन प्रक्रिया हुई है इस मुरादाबाद जनपद में, जो मेरी मुराद थी वो पूरी हुई। जिस तरह से मैं चाहता था कि हमारी मतदान की प्रक्रिया हो, लगभग लगभग हम लोग उस तरह से करने में सफल रहे। और हमारी अगली मुराद यही है कि इस काउंटिंग को भी पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ हम लोग संपन्न करा सके, ये हम सब लोगों की पूरे प्रशासन की मुराद है। और मुझे लगता है कि मुरादाबाद के पत्रकार साथी हमको इस बारे में निराश नहीं करेंगे और आपका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। और जहां तक प्रशासन की सहयोग मीडिया के लिए है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग, हम और SSP साहब, CDO साहब, ADME साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और पूरी टीम, हम लोग सतत भ्रमण करके जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों को हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये केवल चुनाव संपन्न कराना हमारा कार्य नहीं होता है, चुनाव संपन्न कराना तो एक डेमोक्रेसी का महापर्व है जिसको हम करा रहे हैं। मीडिया को हम, मीडिया का हमें लगातार पूरे वर्ष सहयोग मिलता रहता है अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि इतना बड़ा हम सिस्टम चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूके भी होती है। हाँ, जो चूके होती हैं वो सदा सहता किसी दुर्भावना से नहीं होती हैं बल्कि अनजाने में चूकों के चलते होती हैं। तो उस अवसर पर मुझे आपके हमेशा सहयोग की आवश्यकता होती है प्रशासन को। तो हम लोग ऐसा कोई नहीं कार्य करने जा रहे हैं कि केवल हम इस निर्वाचन को लक्ष्य किए हुए हैं, उसके आगे भी देख रहे हैं कि निर्वाचन के बाद भी प्रशासन की गरिमा बनी रहे, आप लोगों के बीच प्रशासन की जो एक साख है वो कहीं से खराब न होने पाए, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। कार्य चल रहा है, लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। EVM मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में दो हाथ बनाए गए हैं और 1-7 EVM लगाई गई। एक राउंड में हमारी 14 EVM काउंट है और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा, बाकी सभी विधानसभाओं में 21-32 राउंड के आसपास होंगे। मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट है ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कम्प्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो EVM मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा
जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर मतदान का परिणाम हम साफ साफ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई, कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण नहीं हो चुका। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है।